तो आज के लेक्चर में बेटा हम लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है लिंकेज। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर दूं कि आपको मेंडल को भूलना होगा इस टॉपिक में। जो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आप पढ़ के आए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, तो मैंने उन तीनों लॉज में आपको कहा था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है। लिंकेज के केस में आके लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट भी फेल्ड हो जाता है। क्यों फेल्ड हो जाता है इसकी इलस्ट्रेशन मैं आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूँगी। बट बिफोर गोइंग ओवर द एक्सप्लेनेशन ऑफ लिंकेज, आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लिंकेज की डेफिनेशन, ये कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था। और यदि मैं सिंपली कहूँ तो मैं इसमें कह सकती हूँ आपको किन्होंने दिया था और एक्सपेरिमेंट कौन से साइंटिस्ट ने इनके ऊपर परफॉर्म किया था। यस बेटा, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। क्या मतलब होता है लिंकेज का और क्या मतलब होता है रिकॉम्बिनेशन का, न्यू टर्म है आप लोगों के लिए। रिकॉम्बिनेशन तो फिर भी आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है पेरेंट, दोनों पेरेंट की जीन की कॉम्बिनेशन होना और प्रोजेनी के अंदर रिकॉम्बिनेंट ट्रेट्स का अपीयर होना। तो आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो टुडे वी स्टार्ट विथ लिंकेज। लिंकेज क्या होती है और लिंकेज सबसे पहले किन्होंने प्रपोज किया था ये टर्म, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले लिंकेज का कॉन्सेप्ट। लिंक्ड का मतलब क्या होता है, जुड़ा होना एक दूसरे से। तो लिंकेज को कैसे डिफाइन करेंगे या एक कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज, यू कैन राइट डाउन, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज फर्स्ट प्रपोज बाय बैट्सन एंड पुनिट, किन्होंने प्रपोज किया था टर्म। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज फर्स्ट प्रपोज बाय बैट्सन एंड पुनिट। पुनिट का नाम हम ऑलरेडी सुन चुके हैं, पुनिट स्क्वायर के नाम से, जिसको चेकर बोर्ड भी कहा था आपने, एंड पुनिट इन 1906। लेकिन इस लिंकेज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था थॉमस हंट मॉर्गन, जिनको हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहते हैं। क्लियर? लेकिन एक्सपेरिमेंटली लिंकेज किन्होंने प्रूव किया था, यू कैन राइट डाउन। बट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाया, अभी मैं आपको बताऊंगी मीनिंग कि लिंकेज का मीनिंग क्या होता है। एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन भी बोलते हैं शॉर्टली इनको थॉमस हंट मॉर्गन, इन विच ईयर 1910। क्लियर है? 1906 में लिंकेज का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रपोज किया था बेटा बैट्सन एंड पुनिट ने, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किन्होंने किया था, थॉमस हंट मॉर्गन। इसीलिए हम इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक भी बोलते हैं। और जो इनका एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट किया होगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्लांट एनिमल लिया होगा, जैसे मेंडल ने भी प्लांट को सेलेक्ट किया था। क्यों किया था वो सब रीज़न हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव बाय थॉमस हंट मॉर्गन इन 1910 वाया एक्सपेरिमेंटिंग किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ओवर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, विच इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। किसका साइंटिफिक नेम है बेटा, एक बार स्पेलिंग बोल देती हूँ, DROSOPHILA ड्रोसोफिला MELANO मेलानोगास्टर, ये किसका साइंटिफिक नेम है, फ्रूट फ्लाई का। तो आपका यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। यदि कॉन्सेप्ट के बारे में आ जाए तो आप किनका नाम लिखने वाले हैं, बैट्सन एंड पुनिट का, और यदि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ पूछा जाए लिंकेज का तो आप किसका नाम लिखने वाले हैं, TH मॉर्गन का।
और इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, मेलानोगास्टर। तो डेफिनेटली इन्होंने ये एनिमल, ये इंसेक्ट चूज़ किया, तो उसके पीछे भी कोई रीज़न रहे होंगे। 3 मार्क का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, वाई TH मॉर्गन सेलेक्ट ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एज ए एक्सपेरिमेंटल एनिमल, तो आप उसमें एक्सप्लेन करेंगे, इसको रीज़न देंगे। लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ लिंकेज पे एंड इलस्ट्रेशन ऑफ लिंकेज, कि लिंकेज होता कैसे है, किन जीन को आपने लिंक्ड कहा। जो जीन बहुत पास पास होते हैं वो एग्जैक्टली वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन मूव करते हैं बेटा, विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन क्रॉसिंग ओवर। क्योंकि आपको पता है क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जिसमें जीन की पोजिशन रीशफल होती है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लिंकेज की डेफिनेशन पे आ जाते हैं, तो फटाफट राइट करें, हाउ कैन यू डिफाइन लिंकेज। हाउ कैन यू डिफाइन लिंकेज, फटाफट लिख लें बेटा, इरेज कर देती हूँ इसको। लिंकेज इज डिफाइंड एज टेंडेंसी ऑफ जीन, इट इज़ डिफाइंड एज, यू कैन राइट डाउन, लिंकेज इज डिफाइंड एज टेंडेंसी ऑफ जीन, टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू स्टे ओवर ओवर क्रोमोजोम, टू स्टे ओवर क्रोमोजोम। ये किसकी टेंडेंसी है बेटा, लिंकेज जीन की, जिसके थ्रू जीन किसके ऊपर स्टे करते हैं, क्रोमोसोम पे, एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब पेरेंट टू उसके फिलैलियल प्रोजेनी जनरेशन में ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। आप एक बार डेफिनेशन लिख लें, फिर इसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगी ये क्या कहना चाह रहा है। ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन विदाउट सेग्रीगेशन, विदाउट सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। ध्यान से सुने मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये किसकी टेंडेंसी है बेटा, जीन की टेंडेंसी है, जिसके थ्रू जीन किस पे स्टे करते हैं, क्रोमोसोम पे, एंड ट्रांसफ़र कर जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो किस चीज़ को लीड करेंगे ये, यदि ऐसा हुआ तो ये किस चीज़ को लीड करेंगे, तो दीज लीड टू, ना क्रॉसिंग ओवर हुई, ना सेग्रीगेशन हुई, ना इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट हुई। तो प्रोजेनी के अंदर कैसे ट्रेट आएंगे, पेरेंटल ट्रेट आएंगे, पेरेंट मतलब एग्जैक्टली वो कैसे दिखेंगे, पेरेंट जैसे। देर इज़ लीस्ट चांस ऑफ अराइवल ऑफ वेरिएशन, मतलब कुछ जीन इतने पास पास होते हैं कि दे एग्जैक्टली ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट अंडरगोइंग सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। मतलब ये मेंडल के लॉस को फॉलो नहीं करते। तो जब भी हम लिंकेज पढ़ते हैं तो एक बार हमें मेंडल को भूलना होता है, नए तरह से हम जेनेटिक्स की शुरुआत मानते हैं। तो आप कह सकते हैं कि लकीली मेंडल ने ऐसे ट्रेट को कंसीडर किया जहाँ पे कोई भी जीन लिंक्ड नहीं थे, अदरवाइज उनके लॉ क्या हो जाते, नॉन एप्लीकेबल हो जाते, उनका रिजल्ट कंक्लूसिव स्टेज तक नहीं पहुँच पाता। तो दिस लीड टू जनरेशन ऑफ पेरेंटल ट्रेट्स इन प्रोजेनी विद ओकेजनल क्रॉसओवर। क्रॉसिंग ओवर आप पढ़ चुके हैं, पैकेटिन स्टेज ऑफ मियोसिस 1 प्रोफेज 1 स्टेज में होती है। ड्यू टू ओकेजनल क्रॉस ओवर विच जनरेट फ्यू रिकॉम्बिनेंट्स, कुछ न्यू टर्म्स आ रहे हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप देखें मैंने क्या क्या टर्म लिखा, मैंने लिखा कि ये एक टेंडेंसी है किनकी, जीन की, जिसके थ्रू वो सिर्फ इससे अटैच रहते हैं क्रोमोसोम से, डेफिनेटली अटैच होते हैं, लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम पे, एंड दे नॉट पार्टिसिपेट इन सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, एग्जैक्टली एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में। तो कैसे ट्रेट आने के ज़्यादा चांस हैं बेटा, पेरेंटल ट्रेट।
लेकिन यदि सिर्फ पेरेंटल ट्रेट आते जाएं तो देर इज़ नो वेरिएशन इन प्रोजेनी और उनकी सर्वाइवल वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, क्योंकि वेरिएशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जो भी न्यू स्पीसीज अर्थ पे ओरिजिनेट होती है बेटर एडेप्टेशन शो करती है, इट इज़ ऑफ ड्यू टू वेरिएशन। तो यदि 100% लिंकेज होगी तो वहाँ पे कोई वेरिएशन ही नहीं आ रही, तो इसीलिए ओकेजनल क्रॉस ओवर, थोड़े बहुत क्रॉस ओवर नेचर में ऑलवेज होते हैं। देर इज़ वेरी फ्यू चांसेस ऑफ 100% लिंकेज, 100% लिंकेज के चांस कम होते हैं, क्योंकि यदि लिंकेज 100% होगी तो सिर्फ कौन से ट्रेट आएंगे, पेरेंटल। यदि जो प्रोजेनी है मदर फादर से 100% रिजेंबल करता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, पेरेंटल ट्रेट। और जहाँ पे प्रोजेनी के अंदर कुछ ट्रेट मदर से आ रहे हैं, कुछ ट्रेट फादर से आ रहे हैं, तो उन सारे ट्रेट को बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट ट्रेट, मिक्स होके आ रहे हैं। एंड मिक्सिंग इज ऑफ ड्यू टू क्रॉस ओवर, क्रॉसिंग ओवर होती है, क्लियर, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि लिंकेज को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैं कुछ आपके सामने डायग्राम बनाऊंगी और आप खुद ही बताएंगे कि ये जीन ज़्यादा लिंक्ड हैं, डिग्री ऑफ लिंकेज ज़्यादा शो कर रहे हैं, और जीन जितने दूर दूर रहेंगे उनमें डिग्री ऑफ लिंकेज उतनी ही कम होगी। तो नेक्स्ट कम ओवर, तो आपने थॉमस हंट मॉर्गन का कॉन्सेप्ट समझ लिया बेटा, उन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ड्रोसोफिला पे, इसीलिए उनको किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स और फ्लाई मैन ऑफ द जेनेटिक्स। ये एक बार एसर्शन एंड रीजन में क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आप लिख लें, साइड में लिख लें कहीं पे भी, ये आपको पता होना चाहिए। थॉमस हंट मॉर्गन इस ऑल्सो नोन एज फ्लाई मैन ऑफ द जेनेटिक्स। ऐसा नहीं है कि ये उड़ते थे, डेफिनेटली इन्होंने वर्क किया था बेटा ड्रोसोफिला पे, इसीलिए इनको किस नाम से जाना जाता है, फ्लाई मैन ऑफ द जेनेटिक्स। सेकेंड, इनको हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट के थ्रू डेमोस्ट्रेट किया था जीन ट्रैक को, हाउ जीन मूव फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, पी से F1 में, F1 से F2 में, तो जीन कैसे ट्रैक, किस पाथ को फॉलो करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि इन्होंने, मॉर्गन ने। क्योंकि मेंडल को आप यदि देखें तो मेंडल ने जस्ट क्रॉस कराया और रिजल्ट दे दिया था, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे जीन का भी कॉन्सेप्ट नहीं आया था बेटा, और सिर्फ बताया था कि कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो पेरेंट्स से मूव करते हैं प्रोजेनी में और करेक्टर को कैरी करते हैं, लेकिन वो जीन कैसे मूव करते हैं, कैसा पाथ फॉलो करते हैं, वो सब एक्सपेरिमेंटली इन्होंने प्रूव किया था, थॉमस हंट मॉर्गन। दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो नोन, दे आल्सो सॉरी थॉमस हंट मॉर्गन को हम किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने जीन ट्रैक को बताया था कि हाउ जीन मूव फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, कौन से पाथवे को फॉलो करता है वो, कैसा इनहेरिटेंस होता है, सेक्स लिंक ट्रेट क्या होते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होते हैं, हर चीज़ को एक्सपेरिमेंटली इन्होंने प्रूव किया था, और उसके लिए उन्होंने कौन सा एनिमल सेलेक्ट किया था, ड्रोसोफिला, दैट्स व्हाई सेड टू बी फ्लाई मैन ऑफ द जेनेटिक्स। नाउ कम ओवर इलुस्ट्रेशन ऑफ लिंकेज। लिंकेज आपके सिलेबस में बेटा इनकम्प्लीट लिंकेज है, यदि आपने एनसीईआरटी खोली हो तो एक बड़ा सा डायग्राम भी बना हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, मेरे पास एनसीईआरटी होती है तो मैं आपको डायग्राम शो कर देती अभी। तो इलस्ट्रेशन ऑफ लिंकेज आप समझ लें कि किसको आपने लिंकेज कहा, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखें बेटा, हेडिंग डालें इलस्ट्रेशन ऑफ लिंकेज, कैसे कहेंगे कि जीन लिंक्ड हैं, ध्यान से देखें। सिंप्लीफाइड डायग्राम जो लिटरली मीन जीन विच आर लिंक्ड, कैसे जीन लिंक्ड होते हैं उसको मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ आपको। सबसे पहला एक डायग्राम बनाती हूँ मैं, देखें आप ध्यान से, ये बनाया मैंने क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पे कौन लोकेटेड होते हैं बेटा, जीन लोकेटेड होते हैं, देखें आप, मैंने यहाँ पे जीन को लोकेट कर दिया अलग अलग, इसको लिख लेते हैं हम, क्रोमोसोम के ऊपर जीन लोकेटेड है बेटा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, क्लियर है यहाँ तक आपको। अब आप देखें कि क्या होने वाला है, क्रॉस ओवर आप पढ़ के आए हैं पैकेटिन स्टेज में, क्या होता है क्रॉस, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन जीन आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, दूर दूर दिखाई दे रहा है, देखें आप, ये मैंने बना दिया, दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स, और ये आपस में क्या कहलाती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम।
क्रॉस ओवर में पार्टिसिपेट कर रहा है बेटा। ये क्रॉस ओवर समझते हैं आप, जहाँ पे एक्सचेंज होता है जेनेटिक सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इसको हमने जीन लिखा था बेटा यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, इनके बीच में क्रॉस ओवर नहीं हुआ। क्रॉस ओवर किसके बीच में आप दिखा रहे हो, कैपिटल बी स्मॉल बी, क्लियर। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी कंज्यूमिंग और एंजाइमेटिक फिनोमिना है जिसमें जीन की रीशफलिंग होगी। अब जीन की रीशफलिंग होती है तो आपको क्या दिखाई देता है, आप देखें मैं यहाँ पे क्या बनाने वाली हूँ। क्रॉस ओवर हो चुका और ये होमोलोगस जो क्रोमोसोम थे पेयर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, आफ्टर क्रॉस ओवर हो गए सेपरेट। तो यहाँ पे देखें इस क्रोमेटिड ने क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं किया था तो जीन एग्जैक्टली सेम है। क्रॉस ओवर हो चुके हैं तो स्मॉल बी कहाँ आ चुका है इस क्रोमेटिड पे और कैपिटल बी कहाँ जा चुका है इस क्रोमेटिड पे। इसी को तो हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक सेगमेंट और यू कैन कॉल क्रोमोसोम आर्म विद इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, क्लियर। इसको आप क्या बोलते हैं, क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर किस स्टेज में होती है, पिकेटिन स्टेज में होती है, आपने पढ़ा होगा ये, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। क्रॉस ओवर किस स्टेज में होती है बेटा, पैकेटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन ऑफ म्योसिस वन और यू कैन कॉल म्योटिक वन, ये आपको पता होना चाहिए। ये हम सेल डिवीजन सेल साइकिल में पढ़ चुके हैं। तो आपने क्या देखा, जीन जितनी दूर दूर थे क्रॉसिंग ओवर का चांस उतना ही क्या है, ज़्यादा। नेक्स्ट डायग्राम पे आते हैं बेटा। हेयर जीन सेपरेशन इज मोर, यू कैन राइट डाउन हेयर जीन सेपरेशन इज मोर, सेपरेशन इज मोर, बहुत ज़्यादा है जीन सेपरेशन। इन दिस केस रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी इज मोर, रिकॉम्बिनेशन हो गया ना बेटा, इसका सेगमेंट इस पे चला गया। तो अब आप क्या देख रहे हो कि जो बच्चों के अंदर ये क्रोमोसोम जाएंगे वो एग्जैक्टली पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहे हैं या रिकॉम्बिनेंट्स जा रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट्स। तो इन दिस केस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज मोर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, मोर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, शॉर्ट में लिखेंगे बार बार CO, क्रॉस ओवर। अब मुझे ये बता दो बेटा, टोटल मैंने कितनी आर्म दिखाई आपको, दो सिस्टर क्रोमेटिड इसकी, दो सिस्टर क्रोमेटिड इसकी, आउट ऑफ फोर क्रोमेटिड हाउ मैनी क्रोमेटिड पार्टिसिपेट इन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ओनली टू। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी नेवर एक्सीड मोर देन 40%। आप देखें कि इस तरह का हम क्रोमोसोम बनाते थे, याद आ रहा होगा आपको 11th में, और हम एक्सचेंज कराते थे बेटा। तो ये जो फोर क्रोमेटिड्स थे, इस फोर क्रोमेटिड्स में ये एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ऐसा होता था ना बेटा, क्रोमोसोम जब कंडेंस हो जाते थे तो ऐसे आपको दिखाई देते थे मेटाफेज में, आपने देखा है ये सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल में। तो आप देखें कि इस आउट ऑफ फोर क्रोमेटिड में सिर्फ कितनी क्रोमेटिड पार्टिसिपेट कर रही है एक्सचेंज में, ओनली दो इसकी और दो इसकी, इससे ज़्यादा तो नहीं, ये वाली तो नहीं पार्टिसिपेट करेगी, ये वाली भी नहीं पार्टिसिपेट करेगी। तो कभी भी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मोर देन 50% नहीं होगी। तो नेवर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एक्सीड मोर देन 50%, ये पॉइंट ध्यान से समझ लें मैं क्या कह रही हूँ। आउट ऑफ फोर क्रोमेटिड ओनली टू क्रोमेटिड पार्टिसिपेट इन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये वाली नहीं पार्टिसिपेट कर रही, ये वाली भी नहीं पार्टिसिपेट कर रही, सिर्फ दो दो कर रही हैं। यदि ये चारों कर जाती क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट तो 100% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कह देते, चार में से सिर्फ दो ही कर रही हैं तो हम क्या कहते हैं 50%, लेकिन कभी भी ये मोर देन 50% एक्सीड नहीं करती। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 10% हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, 40 हो सकती है, 50 भी हो सकती है, मोर देन 50% कभी भी नहीं हो सकती। तो ये आप माइंड में रख लें कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी नेवर एक्सीड मोर देन 50%, एंड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्रॉसिंग ओवर पे। क्लियर है पॉइंट आपको? तो आपने यहाँ पे फर्स्ट केस बना दिया, अब हम देखते हैं सेकंड केस। हम किसको समझ रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ समझ रहे हैं बेटा लिंकेज को। लिंकेज को समझना बहुत ज़रूरी है।
लिंकेज को समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं दूसरा डायग्राम बनाती हूँ, केस बी देख लेते हैं। यहाँ पे जीन को आपने दूर दूर लोकेट किया था, यहाँ पे आप देखें एक ये सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ वन होमोलोग पेयर दिखाई दे रहे हैं, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। यहाँ पे मैंने जीन को दिखाया बेटा, देखें मैं जीन को कहाँ दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने जीन्स को दिखाया था सिस्टर क्रोमेटिड्स, अलग अलग सिस्टर क्रोमेटिड्स में। यहाँ दोनों जीन को मैंने किस में दिखा दिया, एक ही सिस्टर क्रोमेटिड में दिखा दिया। तो आपको जीन की डिस्टेंस कम होती हुई दिख रही है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या दिख रहा है, ज़्यादा। यहाँ पे डिस्टेंस क्या दिख रहा है, आपको कम दिखाई दे रहा है। तो आप देखें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होने वाला है, देखें आप यहाँ पे भी क्रॉस ओवर होगा लेकिन चांस बहुत कम होगा, लेकिन फिर भी क्रॉस ओवर हो सकता है, फिर भी क्रॉस ओवर यहाँ पे हो सकता है। तो ये कैपिटल ए और इसका क्या था, स्मॉल ए, और यहाँ पे था कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो आप देखें क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे चांस ऑफ जीन सेपरेशन इसके कंपैरिजन में क्या दिखाई दे रहा है आपको, कम। क्योंकि जितना डिस्टेंस पास पास होगा, क्रॉसिंग ओवर होनी उतनी ही क्या होगी, मुश्किल होगी, एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे जेनेटिक सेगमेंट। तो यदि डिस्टेंस जीन के बीच में कम होता जाता है तो दे एज इट इज़ ट्रांसफर टू दी नेक्स्ट जनरेशन, और कैसे ट्रेट को लीड करते हैं, वो पेरेंटल ट्रेट को। तो यू कैन राइट डाउन चांस ऑफ जीन सेपरेशन इज लेसर हेयर, चांस ऑफ जीन सेपरेशन इज लेसर, कम होता है, बहुत कम होता है, बिकॉज हेयर बोथ, आपको इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, हेयर बोथ जीन्स लोकेटेड ओवर, जीन्स लोकेटेड ओवर, बोथ जीन्स लोकेटेड ओवर similar chromatids of homologous chromosome, क्लियर पॉइंट बेटा। तो आप क्या देख रहे हैं कि डिस्टेंस जीन के बीच में घटता जा रहा है, तो चांस ऑफ सेपरेशन भी क्या होती जा रही है, लेसर होती जा रही है। अब एक और थर्ड केस मैं बना दूं, जहाँ पे यहाँ फिर भी आपको थोड़ा सा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो देर इज़ फ्यू चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ओवर। एक थर्ड केस और बना दूँ, लास्ट केस बना दूँ, देखें आप मैंने क्या बनाया। ये अगेन होमोलॉग दिखाई दे रहे हैं आपको, सिस्टर क्रोमेटेड एंड दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमेटेड्स। इसमें आप देखें मैंने जीन को बहुत पास पास बना दिया, ए बी स्मॉल ए स्मॉल बी, क्लियर। जीन दिख रहे हैं आपको, क्या दिख रहे हैं जीन, बिल्कुल पास पास हैं, देर इज़ नो सेपरेशन, और देर इज़ आप कह सकते हो कि बहुत लीस्ट सेपरेशन है, बहुत लीस्ट गैप है दो जीन के बीच में। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, देर इज चांस ऑफ जीन सेग्रीगेशन इज निल, यहाँ पे निल या लीस्ट दिखाई दे रही है। तो हेयर चांस ऑफ जीन सेग्रीगेशन is nil or very least। तो अब जब क्रॉस ओवर ही नहीं हुए बेटा, यहाँ पे देखा आपने इतने पास पास हैं कि क्रॉस ओवर नहीं हुए, अब क्रॉस ओवर नहीं हुए तो जब ये एग्जैक्टली कैसे रह जाएंगे, सेम ही रह जाएंगे। आप देख रहे हो कोई रिकॉम्बिनेंट्स बन रहा है यहाँ पे, आप बताओ मुझे। ये सपोज प्रोजेनी में ये क्रोमोसोम पहुँचे तो ये कैसे पहुँचे बेटा, सेम ही पहुंच गए, कोई क्रॉसओवर नहीं हुई, यहाँ पे कोई क्रॉसओवर नहीं हुई तो ये कैसे ट्रेड को लीड करेंगे, पेरेंटल। और यदि क्रॉसओवर के बाद ये वाले क्रोमोसोम पहुंचे तो कैसे ट्रेड को लीड करेगा, रिकॉम्बिनेंट। एक बार फिर से बता देती हूँ कि जैसे जैसे आप जीन के बीच में डिस्टेंस को कम करते जाते हो, जीन की सेग्रीगेशन नहीं हो पाती, और कैसे ट्रेड के चांस ज़्यादा होते हैं प्रोजेनी में आने के, पेरेंटल ट्रेड के। लेकिन मोर डिस्टेंस मोर क्रॉसओवर मोर रिकॉम्बिनेंट रेट। तो आप देख रहे हैं कि जो लिंकेज है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव जीन।
ज़्यादा डिस्टेंस है तो लिंकेज कम होगी, बहुत कम डिस्टेंस है तो लिंकेज होगी, और बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है, पास पास जीन है तो 100% लिंकेज होगी। लेकिन नेचर कभी भी 100% लिंकेज को फेवर नहीं करती, बिकॉज इट लीड टू अराइवल ऑफ ओनली पेरेंटल ट्रेट। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? तो इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको क्या कंक्लूड करना चाहती थी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते हो आप, लिंकेज घटती जाती है और क्रॉस ओवर बढ़ती जाती है। तो हम कंक्लूड करेंगे इस डायग्राम को, इलस्ट्रेशन ऑफ लिंकेज को। हाउ कैन यू कंक्लूड इलस्ट्रेशन ऑफ लिंकेज? इस तरह का कॉन्सेप्ट आपका कोई बोर्ड में बनाना नहीं आता बेटा, ये जस्ट मैं आपको समझाना चाह रही थी कि लिंकेज का मीनिंग क्या होता है। तो इन तीनों डायग्राम से आपने क्या कंक्लूड किया, क्या कंक्लूजन निकाला आपने, क्या इंटरप्रिटेशन रही आपकी इन तीनों डायग्राम से? तो देखें, हमने कंक्लूड किया डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव जीन, बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव जीन, आसपास के जो जीन हैं, दो कॉन्सिक्यूटिव जीन की, वैसे तो देर आर सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ जीन, थाउजेंड्स ऑफ जीन, लेकिन हमने दो पास वाले जीन को कंसीडर किया। तो डिस्टेंस बिटवीन शॉर्ट में लिखने में बच्चे कुछ और ही मीनिंग लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव जीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है बेटा? लिंकेज के। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्रॉसिंग ओवर के। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ये हमने कंक्लूड किया, किससे कंक्लूड किया? इन तीनों डायग्राम के थ्रू, कि जितना आप डिस्टेंस बढ़ाते जाते हो लिंकेज उतनी ही घटती जाती है, और जितना डिस्टेंस कम करते जाते हो लिंकेज उतनी ही बढ़ती जाती है। तो यू कैन राइट डाउन मोर पेरेंटल ट्रेट। जितनी लिंकेज होगी उतने ही पेरेंटल ट्रेट्स आएंगे, एंड देर इज़ फ्यू अराइवल ऑफ रिकॉम्बिनेंट ट्रेट, मिक्स होके बहुत कम आएंगे, एंड लेस रिकॉम्बिनेंट ट्रेट, देर इज़ अ फ्यू अराइवल ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, और यू कैन कॉल लेस रिकॉम्बिनेंट ट्रेट। एग्जैक्टली पेरेंट जैसे हैं तो हम पेरेंटल बोलते हैं, दोनों की मिक्सिंग होके जो ट्रेट आते हैं उसको हम रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक बेटा? दूसरा बेटा, मोर क्रॉसिंग ओवर, यदि ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होती है, और क्रॉसिंग ओवर किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस बिटवीन जीन। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा क्रॉस ओवर भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मोर रिकॉम्बिनेंट ट्रेट। लेकिन आपने देखा आउट ऑफ फोर क्रोमेटिड ओनली टू क्रोमेटिड पार्टिसिपेट, चार क्रोमेटिड में से सिर्फ दो ही पार्टिसिपेट करते हैं क्रॉस ओवर में, हैंस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, यू कैन राइट डाउन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी नेवर एक्सीड मोर देन 50%। इसका रीज़न मैंने बता दिया, आउट ऑफ फोर क्रोमेटेड ओनली टू क्रोमेटेड पार्टिसिपेट इन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और यू कैन कॉल पार्टिसिपेट इन क्रॉस ओवर। तो दिस इज़ द कम्प्लीट, सॉरी नॉट अ कम्प्लीट, इट इज़ जस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लिंकेज, कि लिंकेज का मीनिंग क्या होता है। नाउ कम ओवर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, 3 मार्क का क्वेश्चन कई बार आया है, व्हाट आर द आइडियल फीचर ऑफ ड्रोसोफिला? ऐसे क्या फीचर थे ड्रोसोफिला के जिसकी वजह से मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही सेलेक्ट किया फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट ओवर द लिंकेज और जेनेटिक्स और जीन ट्रैक को पता लगाने के लिए? क्यों सेलेक्ट किया होगा उन्होंने ड्रोसोफिला को? तो नेक्स्ट राइट डाउन आइडियल फीचर ऑफ ड्रोसोफिला। जैसे मेंडल ने पी को सेलेक्ट किया था, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग एनिमल को सेलेक्ट करते हैं, प्लांट को सेलेक्ट करते हैं, उसी तरह से मॉर्गन ने, TH मॉर्गन ने, जिनको हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक कहते हैं, उन्होंने किनको सेलेक्ट किया था बेटा? ड्रोसोफिला को। और हमने प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी था, देर इज़ लिटिल बिट सिमिलरिटी बिटवीन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन, बोथ शो मेल हिट्रोगेमिटी, XX XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, पढ़ा था हमने। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें, आइडियल फीचर ऑफ ड्रोसोफिला। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें बेटा, बोर्ड का क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, आइडियल फीचर्स, क्या आइडियल फीचर्स रहे होंगे ऑफ ड्रोसोफिला? पूरा नाम आपको पता ही है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, साइंटिफिक नेम है, सो सेपरेटली अंडरलाइन। क्लियर?
क्योंकि आप इसको इटैलिक में नहीं लिखते. यूज्ड एज एन एक्सपेरिमेंटल एनिमल, एक्सपेरिमेंटल एनिमल वाया टी एच मॉर्गन. क्यों सेलेक्ट किया, ऐसे क्या फीचर थे इस ड्रोसोफिला के? क्लियर. तो सबसे पहला तो इजीली अवेलेबल कहीं भी आपको मिल जाती है ड्रोसोफिला, स्पेशली कट फ्रूट्स के ऊपर. तो यू कैन राइट डाउन इजीली अवेलेबल. 3 मार्क का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 4-5 पॉइंट्स हम लिखेंगे बेटा. आपके बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क का क्वेश्चन आता है और निट में जनरली इसके क्रोमोजोम सेटअप पे, कैरियोटाइप पे क्वेश्चन आ जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते. तो यू कैन राइट डाउन ईजिली अवेलेबल होवरिंग, भिन भिन आती हुई, मंडराती हुई. क्लियर. होवरिंग ओवर कट फ्रूट्स जनरली आपने देखी होगी ये. क्लियर. ड्रोसोफिला को सेकेंड इसी में लिख लें. ड्रोसोफिला, ये आपका निट का कॉन्सेप्ट आ गया बेटा. ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, थोड़ा सा बड़ा सा नाम है इसका. सेपरेटली अंडरलाइन बेटा, साइंटिफिक नेम है. हैविंग 4 पेयर्स ऑफ, 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम. कितने पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं? 4 पेयर्स. जैसे हमारे अंदर कितने पेयर्स हैं? 23 पेयर्स. तो हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप? 23. इसमें लिंकेज ग्रुप कितने हैं? 4. तो देख लेते हैं, थोड़ा बना लें डायग्राम. तो टोटल कितने क्रोमोसोम बनाए बेटा आपने? हाउ मेनी पेयर्स? 4 पेयर्स. तो थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं. ये क्योंकि जो मॉर्गन है बेटा, जैसे मेंडल ने क्रॉस करने के लिए देखा था, आपने सिंबल यूज़ किया था कैपिटल टी, उसी तरह से वाई स्मॉल वाई ऐसा यूज़ किया था सिंबल, अल्फ़ाबेट्स लिए थे. लेकिन जो मॉर्गन थे उन्होंने क्रॉस करने के लिए इस तरह के सिंबल नहीं लिए थे बेटा, उन्होंने क्रोमोसोम को ही वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन लिया था. मतलब मेल मेल फीमेल के लिए क्रोमोसोम के थ्रू ही उन्होंने अपने क्रॉस में रिप्रेजेंट किया था. इसीलिए आपको क्रोमोसोम समझना बहुत ज़रूरी है. तो देखिए आप, मैं सबसे पहले बना रही हूँ क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट. क्या बना रही हूँ? क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट. देखिए मैं कैसे बना रही हूँ. एक्स क्रोमोसोम है बेटा ये वाई क्रोमोसोम है. क्लियर. वाई क्रोमोसोम. कैसा क्रोमोसोम? वाई क्रोमोसोम. तो यू कैन राइट डाउन हियर एक्स 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 वाई. फीमेल एक्स एक्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? फीमेल को. ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मेल को. क्लियर. यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? तो ये फर्स्ट क्रोमोसोम है. इसको नंबरिंग दे देते हैं हम. फर्स्ट, इसको नंबरिंग क्या दे दी मैंने? फर्स्ट. यदि फीमेल है तो ये वाला कॉम्बिनेशन होगा, मेल है तो ये वाला कॉम्बिनेशन होगा. यहाँ पे मैं इस तरह का एरो भी लगा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो. दोनों नहीं होंगे, मेल है तो ये वाला कॉम्बिनेशन होगा और फीमेल है तो ये फर्स्ट क्रोमोसोम होगा. सेक्स क्रोमोसोम को यहाँ पे फर्स्ट नंबरिंग दी. दूसरा देखें आप, सबसे बिगेस्ट क्रोमोसोम जो होता है, किसकी बात कर रही हूँ मैं? ड्रोसोफिला की. वो होता है क्रोमोसोम नंबर 2. इसको नंबर 2 दिया. नेक्स्ट है क्रोमोसोम नंबर 3. ये कॉम्पेरेटिवली शॉर्टर होता है एज कम्पेयर टू क्रोमोसोम नंबर 2. और सबसे छोटा क्रोमोसोम टीलोसेंट्रिक होता है क्रोमोसोम नंबर 4. तो इसकी नंबरिंग कर दी मैंने. दिस इज़ द फर्स्ट क्रोमोसोम, दिस इज़ द सेकेंड, थर्ड पेयर एंड फोर्थ पेयर. तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ड्रोसोफिला? 4 पेयर. तो लिंकेज ग्रुप पूछा जाए तो कितने लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट हैं ड्रोसोफिला में, आप बता दें. लिंकेज ग्रुप कितने हैं ड्रोसोफिला में? 4 लिंकेज ग्रुप. तो यू कैन राइट डाउन हेयर, स्पेशल नोट डाल के लिख लें लिंकेज ग्रुप. क्या होता है लिंकेज ग्रुप? इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन वन सेट.
मैंने शायद आपको पढ़ाया है जब मैंने बेसिक ऑफ जेनेटिक्स पढ़ाया था, ये डेफिनेशन वन सेट, और यू कैन कॉल वन सेट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। तो ड्रोसोफिला में हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप इज प्रेजेंट, तो इन ड्रोसोफिला फोर लिंकेज ग्रुप इज प्रेजेंट, और ह्यूमन में बेटा हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप इज प्रेजेंट, 23। हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप इज प्रेजेंट इन ह्यूमन, 23। क्लियर है पॉइंट आपको? तो सबसे पहला आपसे आइडियल फीचर पूछा गया, तो आपने क्या लिखा, इजिली अवेलेबल होवरिंग ओवर कट फ्रूट, कहीं से भी आपको मिल जाता है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आपके पिक्टोरियल क्वेश्चन कई बार नेट में आया हुआ है बेटा, कि क्रोमोसोम वन पे आपका क्या दिख रहा है, सेक्स क्रोमोसोम फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर सबसे बिगेस्ट है, थर्ड कंपैरेटिवली छोटा है, सबसे छोटा लीस्ट साइज किसका है, फोर्थ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये आपको थोड़ा सा कैरियोटाइप समझा दिया कि क्रोमोसोम मैप, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देते हैं ड्रोसोफिला में। नाउ कम ओवर द सेकेंड फीचर, आइडियल फीचर जिसकी वजह से उन्होंने ड्रोसोफिला को सिलेक्ट किया होगा। तो पहला आपको क्या दिखाई दिया, ईजिली अवेलेबिलिटी, आपको ये कहीं पे भी कट फ्रूट्स के ऊपर होवर करता हुआ दिखाई देता है, तो वहाँ से हम इसको ईजिली पिक कर सकते हैं। सेकेंड फीचर, सेकेंड आइडियल फीचर कह सकते हो, सेक्सेस आर क्रिस्टल क्लियर। व्हाट डू मीन बाय क्रिस्टल क्लियर सेक्स, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यू कैन ईजली डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला मॉर्फोलॉजिकली, एक्सटर्नली देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये मेल ड्रोसोफिला है, ये फीमेल ड्रोसोफिला है। तो सेक्सेस आर क्रिस्टल क्लियर, दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट। यहाँ पे लिखें, फीमेल इज बिगर एज कंपेयर टू हेयर फीमेल ड्रोसोफिला XX इज कंपेरेटिवली बिगर देन, बिगर देन द मेल ड्रोसोफिला, मेल ड्रोसोफिला जिसको आपने XY कहा। क्लियर है पॉइंट आपको बेटा? यहाँ तक थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं, आइडियल फीचर। थर्ड आइडियल फीचर है शॉर्ट लाइफ साइकिल, मतलब बहुत शॉर्ट होती है लाइफ साइकिल इसकी, और नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमें बहुत लंबा वेट नहीं करना पड़ता। तो 2 वीक्स लगभग 14 to 15 days की लाइफ साइकिल होती है इसकी, और सिंगल एग लेइंग में फीमेल जो ड्रोसोफिला होती है मोर देन 100 eggs ले करती है। तो नंबर ऑफ प्रोजेनी भी क्या आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, ताकि एक साथ बहुत सारे प्रोजेनी आएंगे तो हम ट्रेट को इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो फोर्थ फीचर आप लिखें, आइडियल फीचर की बात कर रहे हैं हम, प्रोड्यूस 100 egg और मोर, 100 से भी ज़्यादा अंडे देती हैं, मोर इन सिंगल एग लेइंग, सिंगल एग लेइंग। क्लियर है पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट, फीड ऑन फ्रूट्स, ऑन फ्रूट्स, प्रोजेनी जब अंडे ज़्यादा आए हैं तो प्रोजेनी प्रोडक्शन भी क्या होगी, डेफिनेटली ज़्यादा होगी, और उनके बीच में आप ट्रेट्स को ईजिली कंपेयर भी कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं। तो प्रोजेनी प्रोडक्शन इज वेरी लार्ज इन नंबर कह सकते हो, लार्ज इन नंबर, बहुत ज़्यादा प्रोजेनी प्रोडक्शन होते हैं, एंड ईजी टू हैंडल, ईजिली इसके ट्रेट को देख सकते हैं, इसके विंग्स को, इसके आई कलर को, बॉडी कलर को, इन सब को ईजिली स्टडी किया जा सकता है, ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, ईजी टू हैंडल और ऑब्ज़र्व वाया लोकल एनेस्थीसिया, ऐसे तो उड़ जाएगी वो, तो लोकल एनेस्थीसिया दे के उसको सेंसलेस करके हम उसके सारे ट्रेट्स को, लोकल एनेस्थीसिया में कॉमनली हम यूज़ करते हैं ईथर, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, एंड हैंड माइक्रोस्कोप, आपने देखा होगा हैंड माइक्रोस्कोप छोटा सा होता है ऐसा,
माइक्रोस्कोप, उसके थ्रू हम इसके सारे करेक्टर को ईजिली माइन्यूटली देख सकते हैं। क्योंकि जब तक हम इसके करेक्टर और ट्रेट्स को ईजिली नहीं देखेंगे तब तक हम कंक्लूसिव स्टेज तक नहीं पहुँच सकते। तो क्यों मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को सिलेक्ट किया, तो आपने टोटल कितने आइडियल फीचर पढ़े बेटा? 7। अगेन मैं रिकैप करा देती हूँ। सबसे पहला तो इट इज़ ईजली अवेलेबल हॉवरिंग ओवर कट फ्रूट। सेकेंड देखा आपने सेक्सेस कैसा है इसका, क्रिस्टल क्लियर। तीसरा आपने देखा लाइफ साइकिल क्या है, वेरी शॉर्ट, अप्रॉक्सीमेट 2 वीक, 14 to 15 डेज। प्रोड्यूस 100 और मोर देन 100 एग्स। किसके ऊपर फीड करते हैं, फ्रूट्स पे, तो इजी टू कल्चर, बॉटल में, ग्लास बॉटल में आप कल्चर कर सकते हो। और उसके ट्रेट को देखने के लिए आप उसको लोकल एनेस्थीसिया यूज़ करके, इथर के थ्रू आप उसको सेंसलेस करके उसके सारे ट्रेट्स को देख सकते हो। तो दीज आर सम आइडियल फीचर जिसकी वजह से मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल एनिमल किसको सेलेक्ट किया बेटा, किसको सेलेक्ट किया एक्सपेरिमेंटल एनिमल मॉर्गन ने, आप देख ही चुके किसको सेलेक्ट किया, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को। तो नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ लिंकेज, कितने टाइप की लिंकेज होती है, और फिर हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ लिंकेज, टाइप्स ऑफ लिंकेज। अभी तक हमने आज के सेगमेंट में समझ लिया लिंकेज का कॉन्सेप्ट, लिंकेज क्या होती है। लिंकेज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करती, इसका मतलब मेंडल के लॉज यहाँ पे फॉलो नहीं होते। तीसरा, लिंकेज का जो कॉन्सेप्ट था वो तो बेटसन एंड पुनिट ने दिया था, लेकिन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ का जो क्रेडिट है वो किनको जाता है, मॉर्गन को। और मॉर्गन ने किन एनिमल को सेलेक्ट किया एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, ड्रोसोफिला को। नेक्स्ट हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ लिंकेज। टाइप्स ऑफ लिंकेज, दो तरह की लिंकेज होती है, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज नेचर में बहुत रेयरेस्ट होती है बेटा। तो जीन्स लोकेटेड वेरी क्लोजली, यू कैन राइट डाउन, इसमें जीन क्या होते हैं, बहुत क्लोजली प्लेस्ड होते हैं। जीन्स लोकेटेड वेरी क्लोजली, या आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं बेटा, इन द सेम क्रोमोसोम एंड आर इनहेरिटेड का मतलब मूव टू नेक्स्ट जनरेशन, इनहेरिटेड टुगेदर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विदाउट गेटिंग सेपरेटेड, जिसमें किसी भी तरह की सेग्रीगेशन ना हो, और बिना सेपरेशन के ही एज इट इज़ मूव करते हैं वन जनरेशन टू अनदर, दैट इज़ कम्प्लीट लिंकेज। यहाँ पे लिखें इनकम्प्लीट लिंकेज वेयर जीन्स आर प्रेजेंट, आपने देखा डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो लिंकेज घटती जाएगी, डिस्टेंस घटाते जाओगे तो लिंकेज बढ़ती जाएगी, इनवर्स रिलेशन है डिस्टेंस और लिंकेज का। तो जीन्स आर प्रेजेंट डिस्टेंटली, डिस्टेंटली का मतलब थोड़ा दूर में, प्लेस डिस्टेंटली इन द सेम क्रोमोसोम, इन द सेम क्रोमोसोम एंड हैव टेंडेंसी, डिस्टेंस थोड़ा है जीन के बीच में, तो हैव टेंडेंसी टू ओकेजनली सेपरेटेड, कभी ना कभी वो सेपरेट होते हैं, कभी ना कभी वो क्रॉस ओवर में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड देर इज़ चांस ऑफ अराइवल ऑफ रिकॉम्बिनेंट ट्रेट्स अलॉन्ग विद पेरेंटल ट्रेट्स। नो क्रॉस ओवर, यहाँ पे कोई क्रॉस ओवर नहीं हो रहा क्योंकि जीन के बीच में डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत पास पास है। क्रॉस ओवर अकर, यहाँ पे क्रॉस ओवर चलता है बेटा, क्रॉस ओवर अकर विच लीड टू रिकॉम्बिनेंट अलॉन्ग विद पेरेंटल ट्रेट, इट इज़ वेरी रेयर,
क्यों है ये वेरी रेयर? क्योंकि जो प्रोजेनी है उसमें सिर्फ पेरेंटल ट्रेट आ रहे हैं, तो उनकी वेरिएशन ही नहीं आ रही, तो उनकी सर्वाइवल वैल्यू क्या होगी? लो। एंड इट इज़ क्वाइट कॉमन, इट इज़ क्वाइट कॉमन, क्योंकि यहाँ पे पेरेंटल के साथ साथ रिकॉम्बिनेंट ट्रेट्स भी आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं रिकॉम्बिनेंट ट्रेट्स? ड्यू टू क्रॉस ओवर, प्रोड्यूस पेरेंटल टाइप एंड नो रिकॉम्बिनेंट, प्रोड्यूस पेरेंटल टाइप टाइप एंड नो रिकॉम्बिनेंट्स, कोई भी रिकॉम्बिनेंट्स यहाँ पे नहीं आते क्योंकि यहाँ पे कोई क्रॉस ओवर नहीं हुआ। वेयर एज इट प्रोड्यूस बोथ, इट प्रोड्यूस बोथ बोथ टाइप, पेरेंटल टाइप एज वेल एज रिकॉम्बिनेंट टाइप, मोर देन 50% पेरेंटल टाइप and less than 50%, or you can call equivalent to 50% recombinant type, ऐसा आप पढ़ चुके हैं। और कभी भी recombinant frequency 50% से ज़्यादा नहीं होती, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो आपके syllabus में incomplete linkage है बेटा, complete linkage आपके syllabus में नहीं है, फिर भी मैं इसके कुछ example आपको बता देती हूँ कि कंप्लीट लिंकेज के क्या एग्जांपल हैं आपके। तो एग्जांपल ऑफ कंप्लीट लिंकेज आप लिख सकते हैं, इनकंप्लीट लिंकेज को डिटेल में हम कल के सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट राइट डाउन सर्टेन एग्जांपल ऑफ कंप्लीट लिंकेज कि कहाँ पे देखी गई। लेकिन मैंने क्या कहा, कंप्लीट लिंकेज रेयर है, नेचर में बहुत कम ही केस में मिलती है। तो एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज जिसमें प्रोजेनी के अंदर वेरिएशन आने के चांस कम होते हैं, नहीं होते हैं, ना के बराबर होते हैं, लीस्ट होते हैं, उसको आपने कंप्लीट लिंकेज कहा। तो इसमें आप लिखें कि कौन कौन से जीन कंप्लीटली लिंक्ड हैं जो बहुत पास है। तो बॉडी कलर एंड विंग साइज जीन, विंग समझते हो जो उनके पंख होते हैं, विंग साइज, विंग छोटे हैं नॉर्मल हैं या बहुत बड़े बड़े विंग हैं, तो विंग साइज जीन इन ड्रोसोफिला, इन ड्रोसोफिला। एक तो ये एग्जाम्पल लिख लिया बेटा। सेकेंड, इन कॉटन, कॉटन देखा है कपास का पौधा आपने, तो इन कॉटन कलर ऑफ कोरोला, यदि आपने किसी ने भी कॉटन का फ्लावर देखा हो तो इट रिजेंबल टू भिंडी फ्लावर, ओकरा फ्लावर से कुछ ना कुछ रिजेंबलेंस होती है, येलो कलर के फ्लावर होते हैं इनके। तो इन कॉटन, इन कॉटन कलर ऑफ कोरोला इंडिकेट लिंट साइज, इंडिकेट लिंट साइज। जो आपने कॉटन बॉल देखी है उसमें से फाइबर निकलते हैं बेटा, जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है कॉटन बॉल, जो कलेक्ट करते हैं फार्मर्स, आपने देखा होगा रुई जिसको बोलते हैं। तो जितना लिंट साइज लॉन्ग होगा, रेसे जितने फाइबर, कॉटन फाइबर जितने बड़े होंगे, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा होती है। तो हेयर कलर ऑफ कोरोला इज लिंक्ड टू लिंट इंडेक्स, लिंट साइज और लिंट इंडेक्स। जितना हमने देखा गया है ब्राइट कलर का कोरोला है, उतना ही लिंट साइज क्या होगा, ज़्यादा। मतलब किस प्लांट के फाइबर्स, कॉटन प्लांट के फाइबर्स लंबे होंगे, इकोनॉमिकली बेटर होंगे, वो किस, उसके जीन किससे लिंक्ड हैं, कलर ऑफ कोरोला। तो हेयर आप क्या लिख सकते हैं, हेयर कलर ऑफ कोरोला, कलर ऑफ कोरोला इज लिंक्ड टू लिंट इंडेक्स। मैं फिर से कह रही हूँ, दीज एग्जाम्पल आर नॉट इन योर सिलेबस, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि नेचर में कुछ ऐसे जीन हैं जो 100% एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो ऐसा देखा गया है प्लांट के केस में, सर्टेन एनिमल के केस में, जैसे कलर ऑफ कोरोला किससे लिंक्ड है, लिंट इंडेक्स से। मतलब मोर इज़ द ब्राइट कलर ऑफ कोरोला, मोर इज़ द बिगर इज़ द साइज ऑफ लिंट और कॉटन फाइबर। तो ये कुछ मार्कर जीन हैं जिसके बेस पे हम पता लगाते हैं कि इस प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो आपने क्या देखा कि लिंकेज क्या होते हैं, लिंकेज कितने टाइप्स के होते हैं। टुमारो वी स्टार्ट, टुमारो वी गो थ्रू इनकम्प्लीट लिंकेज कि नेचर में कहाँ पे इनकम्प्लीट लिंकेज होती है, जो आपके सिलेबस में है, और 3 और 5 मार्क का क्वेश्चन आपके बोर्ड में कवर करती है। थैंक यू सो मच।